बिटकॉइन इथेरियम और अदर क्रिप्टो करेंसी में दोस्तों कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है बट कोसमोस एटम क्रिप्टो ने सभी को सरप्राइज कर दिया है क्योंकि ऑलमोस्ट सभी ओल्ड कॉइन बिटकॉइन के ट्रेंड को ही फॉलो करते हैं और अगर आप बिटकॉइन और एटम के प्राइस चार्ट को कंपेयर करोगे तो एटम कॉइन का प्राइस बिटकॉइन के अपोजिट चल रहा है इसके अलावा अगर आप टॉप थर्टी क्रिप्टो कॉइन को देखोगे तो लास्ट थ्री मंथ में सभी कोइंस ने ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न दिया है बट एटम कोइन के प्राइस ने दोस्तों यहाँ पर अच्छा जम दिखाया है लास्ट थ्री मंथ में एटम कोइन ने फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और लास्ट वन मंथ में भी थर्टी परसेंट से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और अभी भी आप इसके प्राइस चार्ट में स्ट्रेंथ देख सकते हो आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए या नहीं इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे एटम कोइन क्या है वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले एटम के टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों एटम का चार्ट पैटर्न को आप क्लियरली देख सकते हो इसका प्राइस असेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है जो कि एक बुलिश चार्ट पैटर्न है सेकेंड है दोस्तों इसका प्राइस ट्वेंटी डी के ऊपर ट्रेड कर रहा है और जब भी ट्वेंटी डी के पास इसका प्राइस आता है तो इसने सपोर्ट की तरह काम किया है थर्ड है दोस्तों एटम का प्राइस कंटिन्यू हायर लो एंड हायर हाइज बना रहा है फोर्थ पॉइंट है दोस्तों रिसेंटली जब सभी क्रिप्टो में क्रैश आया था तब भी आप देख सकते हैं इसके चार्ट पर आपको कहीं वीकनेस नहीं दिखाई दे रही होगी और इसका चार्ट कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही था फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है दोस्तों एटम के प्राइस ने दोस्तों कल ही 200 हंड्रेड डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है और दिखा रहा है कि इसमें बाइंग और ज्यादा होने वाली है आने वाले टाइम में एटम के प्राइस ने अप ट्रेंड के पीछे सिंपल सा मीनिंग है दोस्तों इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स टेरा के क्रैश होने के बाद कई सारे प्रोटोकॉल्स पाइवेटेड प्रोजेक्ट रिलॉन्च किए गए कॉस्मोस प्लेटफॉर्म के ऊपर इसके अलावा प्रोटोकॉल बिल्डर डेल्फी डिजिटल ने भी कॉस्मोस को प्राइमरी ब्लॉकचेन के लिए सिलेक्ट किया है जिस पर वो अपने न्यू प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों इंटरऑपरेटबिलिटी बिटवीन डिफरेंट ब्लॉकचेन्स और कॉस्मोस प्रोटोकॉल जो इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन्स है इसमें एक ब्रिज की तरह काम करता है जो क्रॉस चैन टोकन ट्रांसफर करने में हेल्प करता है इसके अलावा अगर आप इसके स्टेकिंग नंबर को देखोगे तो उसमें भी आपको कंटिन्यू राइज दिखाई देगा जो कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है का इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है दोस्तों जिसके साथ ही इसके नेटवर्क में ग्रोथ हो रही है और साथ में टोटल वैल्यू लोक में भी एटम की मार्केट कैप में राइज के साथ साथ उसके सप्लाई साइड रिवेन्यू में भी आप राइज देख सकते हो स्क्रीन पर सप्लाई साइड रिवेन्यू दोस्तों वो ट्रांजेक्शन फीस होती है जो वेलीडेटर्स को अलॉट की जाती है सप्लाई साइड रिवेन्यू के साथ साथ प्रोटोकॉल रिवेन्यू में भी राइज देखने को मिल रहा है प्रोटोकॉल रिवेन्यू दोस्तों वो ट्रांजेक्शन फीस को दिखाता है जो एटम होल्डर्स के साथ साथ प्लेटफॉर्म यूजर्स एंड स्टेकर के साथ शेयर की जाती है एंड लास्ट इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी आप राइज देख सकते हो फंडामेंटल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स दोनों हमें क्लियरली शो कर रहे हैं एटम कॉइन में स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम को जिस वजह से आप भी इसमें बाइंग कर सकते हो अप ट्रेंड के लिए बट कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद की रिसर्च जरूर करें यह था दोस्तों आज का हमारा वीडियो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए एंड लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू जय हिंद